हाय गाइस, बंदा पाकिस्तानी फैमिली रहते कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, चाइनीज लड़कियों को भारतीय गाने और भारतीय कल्चर को अपनाता देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। चाइनीज लड़कियों को हाँ क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब जल्दी से वॉच करते हैं। लड़कियों ने इनके कल्चर अपनाना शुरू कर दिया। देखते हैं भाई, ये तो देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। फिलहाल भाई साहब इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो जल्दी से वॉच करते हैं भाई। देखते हैं, कॉल ऑन करते हैं, स्टार्ट। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उंगा होता है, गैसे गहम में वो अल्लाह प्यारी गैसे होता है। कि हमने इस्लाम को फैलाया, ठीक है, 1400 साल पहले इस्लाम फैला, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो हिंदुइज्म बहुत पुराना कल्चर है। हम भी तो कन्वर्जन में से है ना, हमारे अबाओ इजाद जो है वो सारे ओरिजिन इंडियन उनका पुराना। पाकिस्तान को भी इंडियन ही काउंट किया जाता है। हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती। इधर और भी, क्योंकि वो जो है ना, वो अकलियत को तहफ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़ुज़ अच्छा। नहीं दे रहे इंडिया में। बिल्कुल आगे कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हो, इस्लामिक कंट्री हो, वो जब इंडिया से। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ मेरी महबूबा। आज तक पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि कल्चर होता क्या है। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सब ज्यादा मुसलमान तरह, मुसलमान का जो कल्चर है हमने उससे वो छोड़ दिया। असल बात ये, मुसलमान का क्या कल्चर? मुसलमान की जो ये इधर जो रिश्वत खोरी होती है, इधर ये जो प्राड होती है, जो खुरी होती है, अगर हम सब ने ये छोड़ दिया, अपना ईमान के तलब किया, अपने दीन के तलब किया, तो हमारा मुल्क कल्चर थोड़ी है। ये मतलब ईमानदारी है ना, ईमानदारी है। कल्चर की बात करो ना, आज तक पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि कल्चर होता क्या है। Would you like to dance, to sing for us something? No, everyone in China knows the song Ang Khen Kuli Ho Yao Ho Ben Di Da Ru Wung Ga Ho Da Hei Gai Se Ge Ho Men O Ya Da Ye Bia Da Gai Se Ho Da Hei. You know, every Chinese knows the song. Holi Si Surat Hey Aakho Mein Masti Hey Hai 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 पॉलिसी सूरत आंखों में मस्ती दूरी कली शर्माए। पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसीडर होता है, और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजर आम पे आ रही हैं टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फिक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पर है, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे। सबसे पहले तो इस बारे में सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किस तरह के। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई, दिन ब दिन उनका चल रहा है, तो दूसरे लोग देखते हैं, काफी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीजें ईजाद होती है, लोग यूज करते हैं, तो अब जो है भाई लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है एक बंदा पैसे वाला, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जो गरीब है उसको कौन पूछता है? ये वीडियो देखिएगा, हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हों, वो जब इंडिया से होके चले जाते ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मजे का कि भाई क्या कहें। अब इंडियन बैंडिट्स पे किस तरह से वो मतलब ये गोरे आप देख सकते हो इनकी शक्लों से ना, तो ये किस तरह से नाच रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें उनसे इंस्पायर होते हैं देख कर ना। क्या वजूहत है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है दुनिया भर में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, और इंडिया के कल्चर को बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? आप बताइएगा। गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं। वीडियो में बताया जाएगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अब मस्जिदें नहीं है, तो मस्जिदें नहीं है तो क्या वहाँ पर मंदिर है? इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा,
लिहाज से बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। कंट्री का कल्चर होना और वो कल्चर पूरी दुनिया में जाना जाना कितना जरूरी है। वो तो सही है, वो दिखाना, जब हम ईमानदारी से अपने काम कर रहे हैं, अपने कल्चर दिखाएगा। ये नहीं है कि पैसों के लिए कल्चर, लोग अब आजकल पैसों के लिए इस्तेमाल। कल्चर है क्या, यही तो पूछ रही हूं। ज्यादा होगा मेरे जहन में इतना नहीं आ जाएगा, मगर कल्चर कोई है ही नहीं। तो आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या बताएंगे? हमारा कोई कल्चर नहीं है, हमें खुद नहीं पता। पंजाबी का यहाँ अलग कल्चर है, सिंधी का अलग कल्चर है, मतलब जितने भी तफड़के हैं सबका अलग अलग कल्चर है। एक कल्चर है ही नहीं पाकिस्तान। असल मकसद जो है ना, वो तो एक कल्चर है नहीं, सबको अलग अलग है। हम पठान अपने कल्चर में बात कर रहे हैं, ये अपना कल्चर है, इससे हमारा जो रूल है ना ये सब खराब हुए। पाकिस्तान इसके लिए तरक्की नहीं कर रही। जो भी कल्चर है जिसको पसंद आ जाएगा वो सर आयाम इतिफाक के साथ आगे बढ़ाना है, तो फिर हमारा पाकिस्तान। वजूहत है कि आज यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप की जो लड़कियां हैं, वो इंडियन कल्चर को इतना पसंद कर रही हैं, उनके साड़ी वेयर कर रही हैं, उसके अलावा लड़के जो हैं उन पर डांस कर रहे हैं, उनके कल्चर के गानों पे, मतलब काफी चीजें ऐसी नजर आ रही हैं। क्यों भाई, इंडिया के कल्चर को क्यों पसंद किया जा रहा है? मेरे बात सुनिए, इधर जो कल्चर है ना, इधर जो लोग मतलब जो भी कर रहे हैं इसको लिए तरक्की नहीं देते। वो एक दूसरे की बात ही कर रहे हैं, आप जो ये मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ज्यादा नकील करे, ये वो करे, ये करे, आप कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहे ना। हम अपने सपोर्ट नहीं कर रहे, जो पंजाबी है पंजाबी जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट हम नहीं कर रहे। हैरान रहेगा की चाइनीज लड़कियां हिंदी सीख कर हिंदी गाने गा रही हो। यार बंदा क्या बोले, हिंदी क्या बोले, वही ना कि भाई चाइनीज लड़कियां इंडिया में आके इंडिया सीख के हिंदी सीख के इंडियन गाने गा रही है। बहुत बड़ी बात है वजह, इंडियन कल्चर को अपना रही है। ऐसी प्रमोट होता ही ना कल्चर, ये देख अरबी साथ अरबी फलम डांस कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं इंडियन म्यूजिक में। भाई साहब उधर से काले लोग हैं वो अलग, भाई साहब इंडियन गाने इंडियन कल्चर। मैं तो हैरान हुआ चाइनीज में कि भाई एक चाइना भारत का कट्टर दुश्मन है, चाइना भारत को आगे बढ़ते हुए देखने नहीं चाहता, लेकिन उसका जो लोग है उसको देखो, वो भाई साहब अपनी गवर्नमेंट के पिछवाड़े पे लात मार के भारतीय कल्चर अपना रहा है, हिंदी सीख रहा है, इंडियन गाने गा रहा है। और भाई साहब अब एक अंग्रेज ने पूछा एक चाइनीज का, भाई साहब तुम इंडिया के बारे में क्या जानती हो? वो कहती इंडिया, वो कहते आजकल हर चाइनीज के भाई साहब जबान में इंडिया का एक ही गाना है, और ना वो वाला गाना जो उसने गा कर भी बताया, मतलब वो हिंदी में गाया है, उसने हिंदी में गाया तो उसको हिंदी भी आती है। फिर आप अंदाजा लगा मतलब चाइना में इस टाइम आई थिंक अगर देखा जाए तो हिंदी लैंग्वेज का बड़ा जोर हो गया। तो इंडिया तो आपस में एक दूसरे की बनती भी नहीं है, लोग जो है चाइनीज धड़ा धाड़ इधर आ रहे हैं, कल्चर प्रमोट हो रहे हैं, उनके गानों पे डांस कर रहे हैं और भाई उनके गाने गा रहे हैं। भाई इंडियन गाने भाई उनको ऐसा सुकून दे रहे हैं कि भाई वो इंडियन कल्चर के अलावा कोई अब सोच ही नहीं रहे, बात ही नहीं करते। तो देखो ना भाई, जब मेरे से पूछा गया भाई उसने एक ही बोला क्या भाई, इंडिया के गाने जान है, इंडिया का कल्चर जान है। और जब पाकिस्तानियों को ये दिखाया तो इनकी फटके चार हो गई। ये तो कहते ना भाई मुसलमान, ये तो मुसलमान अपना भी कल्चर है, हमारा ये तुम्हारा क्या कल्चर है, भारत की देन है भाई साहब तुम्हारा कल्चर, और तुम लोग गौर तुम्हारा अपना कल्चर है। अरबी क्यों डांस कर रहे हैं, फिर अरबी क्यों आ रहे हैं? सोचने वाली बात है ना, अंग्रेज भी आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंडिया कल्चर को अपना रहे हैं, इंडिया लड़कियां भी आ रही हैं इंडिया कल्चर को अपना रही हैं। हाँ इंडियन लड़कियां भी आ रही हैं बाहर की। हाँ वही ना, वो समझो फिर इंडियन, तो वो फिर इंडियन लड़कियां ही हो जाती है ना, वही ना बाहर की आती हैं, इंडियन कल्चर अपना समझो, वो फिर इंडियन ही हो गए। तो यार आपके क्या थॉट है?